हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। एक लेक्चर में हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी वायर से करंट पास होता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट रहता है एनआई। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ रहे ड्यू टू बार मैग्नेट। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम हमारा टॉपिक चालू करते हैं। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं बेटा? फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, क्लियर है बेटा? ये मान लेते हम लोग नॉर्थ पोल है, ये मान लेते साउथ पोल है। अब ये नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम से दिखाएंगे, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम से दिखाएंगे। व्हाट इज द एम? एम इज द पोल स्ट्रेंथ। बेटा ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं हम लोग ट्वाइस एल। हमने क्या लिया? ये बार मैग्नेट, उनकी पोल स्ट्रेंथ क्या लिया हमने? एम। डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल क्या लिया? ट्वाइस एल। अब इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आप डिफाइन करोगे? सो मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। यानी ये पोल की पोल स्ट्रेंथ और इनके बीच में का डिस्टेंस, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन होती है। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। बट अब पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वेयर, क्लियर? और डिस्टेंस एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ का, डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो ये बनेगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वेयर, क्लियर? सो एम्पियर मीटर स्क्वेयर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या लिया मैंने? एम्पियर मीटर। डिस्टेंस का क्या लिया? मीटर। तो इसका यूनिट क्या आएगा? एम्पियर मीटर स्क्वेयर, क्लियर? अब देखो जैसे ही हमारा बार मैग्नेट है, ये क्या था अपना नॉर्थ पोल, ये था अपना साउथ पोल। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रहती है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉर्थ टू साउथ, बट मैग्नेटिक मोमेंट कहा तो वो रहेगा साउथ टू नॉर्थ। ये पॉइंट अच्छे से दिमाग में रखो बेटा। क्या कहा मैंने? मैग्नेटिक लाइंस या तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये रहता है नॉर्थ टू साउथ, बट मैग्नेटिक मोमेंट कहा तो वो कहां से कहां रहेगा? साउथ टू नॉर्थ। तो आपको याद रख लेना इसकी डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कहां से कहां है बेटा? साउथ टू नॉर्थ, क्लियर? अब एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल ऐसा लिया, मान लो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बोथ द मैग्नेट्स आर आइडेंटिकल। सो इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? साउथ टू नॉर्थ, दैट इज एम। इसके मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? साउथ टू नॉर्थ, ये भी क्या है? एम। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा आपका? नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज ट्वाइस एम। अगर ऐसे एग्जांपल ये भी ले, ये क्या है अपना नॉर्थ साउथ, इसके ऊपर और एक दे दिया नॉर्थ साउथ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहां पे आएगा? साउथ टू नॉर्थ, इसका भी साउथ टू नॉर्थ। सो दोनों में भी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम आ रही है, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? ट्वाइस एम। तो इनमें डायरेक्ट एडिशन हो रही है। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर अब हम लोग ये केस लेते हैं नॉर्थ साउथ, तो ये साउथ टू नॉर्थ ऐसा हुआ,
यहां पे दूसरा बाहर मैग्नेट लिया, ये ले लिया साउथ, ये ले लिया नॉर्थ। सो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। सो ये मोमेंट है एम, ये मोमेंट है एम, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या बचेगा यहां पे? जीरो। वैसे यहां पे देख लो, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, इसके ऊपर दूसरा आइडेंटिकल पार मैग्नेट लिया, ये है साउथ, ये है नॉर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्या हुआ बेटा, एक इधर है तो एक इधर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल ईच अदर, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा आपका? जीरो। इस तरीके से आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़ना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर बेटा ये ले लिया नॉर्थ पोल, ये ले लिया साउथ पोल, और ये ले लिया, ये मान लेते साउथ, ये मान लेते नॉर्थ, ये मान लेते साउथ, ये मान लेते नॉर्थ। सो मैग्नेटिक मोमेंट कहां से कहां होता है? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट कहां रहेगा? साउथ टू नॉर्थ। सो यहां मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है एम और एम। सो अगर दोनों एम एम ऐसा है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा मिलेगा आपको। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो कितना मिलेगा? अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? रूट टू टाइम्स एम। ये ऐसा है। अगर बेटा ये ऐसा दिया जाए, एक बार मैग्नेट ऐसा, एक बार मैग्नेट ऐसा, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ। सो अगेन मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो ये वाला मोमेंट ऐसा आ गया एम, ये वाला मोमेंट ऊपर आ रहा है एम। तो आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, दोनों इक्वल है और दोनों 90 डिग्री पे है। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? रूट टू टाइम्स एम। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपका? स्मॉल एम इंटू टू एल। क्लियर? अगर हम प्लस साइन में ले लें, ये क्या आपका साउथ नॉर्थ, ये क्या आपका साउथ नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? साउथ टू नॉर्थ, तो ये साउथ टू नॉर्थ हो गया। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? साउथ टू नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट एम है, ये एम है, दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो गया आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी कितना हो गया वो? अंडर रूट ऑफ टू एम स्क्वायर, यानी ये हो गया रूट टू टाइम्स एम, यानी रूट टू टाइम्स स्मॉल एम इंटू टू एल, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। इस टाइप से आपको अलग अलग न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये देखो बेटा, अगर एक मैग्नेट ऐसा दे दिया साउथ नॉर्थ, दूसरा मैग्नेट ऐसा दे दिया साउथ नॉर्थ, ऐसा, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, ये वाला भी रहेगा साउथ टू नॉर्थ, इनके बीच में एंगल है बेटा थीटा। तो अभी एक मोमेंट ऐसा आ रहा है, एक मोमेंट ऐसा आ रहा है, इनके बीच में एंगल आ रहा है थीटा। तो अभी आप इसको जोड़ोगे बाय पैरेललोग्राम लॉ, और ये पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये आएगा आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते बेटा? अंडर रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम वन एम टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला रहेगा आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। अब ये मान लिया ये अपना साउथ नॉर्थ, ये हमने मान लिया ये अपना साउथ, ये अपना नॉर्थ, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। अब ये साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ टू नॉर्थ, तो बेटा एक मोमेंट ऐसा हुआ, एक मोमेंट ऐसा हुआ, इनके बीच में एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। बाय पैरेललोग्राम लॉ इसको जोड़ दोगे तो ये आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम एम कॉस ऑफ 60। बेटा कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या रहेगी? 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? 3 एम स्क्वायर, यानी रूट 3 टाइम्स एम आ जाएगा, यानी रूट 3 टाइम्स एम, यानी क्या? स्मॉल एम इंटू 2 एल। इस तरीके से आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अब ये देखो बेटा,
ये ले लिया मैंने साउथ, ये ले लिया मैंने नॉर्थ, अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, ये साउथ ये नॉर्थ। अब मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो अभी क्या हुआ, ये वाला इस तरफ आ गया, ये वाला इस तरफ आ गया, ये एम और ये एम, ऐसा हो गया। अब इनके बीच में बोले तो ये वाला कंटिन्यूस सामने आएगा, ये ऐसा आ रहा है और ये इसके डायरेक्शन ये आ रही है, इसके डायरेक्शन ये आ रही है, तो ये वाला एंगल मान लेते 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो गया आपका 120 डिग्री। इसको भी आप जोड़ सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट नेट कैसे मिलेगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम एम कॉस ऑफ 120। क्लियर, कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1/2, कॉस 120 की वैल्यू क्या रहती है, माइनस 1/2, टू टू गेट कैंसल, तो ये क्या है, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर कैंसिल हुआ, यानी ये क्या बचा एम, सो एम नेट आपका आ रहा है एम, एम को आप क्या ले सकते हो स्मॉल एम इंटू 12। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, ये ले लिया हमने साउथ नॉर्थ, ये और एक मैग्नेट लिया, ये और एक मैग्नेट लिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये वाला ले लो साउथ टू नॉर्थ, ये वाला ले लो साउथ टू नॉर्थ, ये ऐसा। अब इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, इसमें बेटा ये मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, तो ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा। अगर बेटा इस तरीके से आ रहा है तो ये पूरा क्लोज लूप आ रहा है, सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या बचेगा, जीरो, सो इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाएगा, क्योंकि सभी एक ही तरफ रोटेट हो रहा है, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो बाय ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ। अगर बेटा हम लोग ऐसा स्क्वेयर फ्रेम में ले लें, ये देखो ना, ये वाला ले लिया हमने साउथ नॉर्थ, ये वाला ले लिया हमने नॉर्थ साउथ, ये लिया साउथ नॉर्थ और ये ले लिया साउथ नॉर्थ। अब बेटा आप डायरेक्शन चेक करो, मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहां भी साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, तो यहां भी क्या हुआ, ये इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है, ये इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा आपका, जीरो। क्लियर, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट, ये वाला इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये सभी मोमेंट ऐसे भी आ जाए, अगर ये ऐसे नेट मोमेंट आ जाए तो भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका जीरो आएगा, इस केस में भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा। अभी बेटा एक ही मैग्नेट है और उसको हमने ऐसे एक बार मैग्नेट को हमने ऐसे टर्न किया, एक आर्क बनाया, ये यहां पे एंगल बना रहा है मान लो थीटा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना रहा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, तो वो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा उसका नेट वो आएगा ट्वाइस एम साइन ऑफ थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा इज इन रेडियन। अगर जब ये बार मैग्नेट ऐसा है नॉर्थ साउथ, तब उसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, जब ये बार मैग्नेट ऐसा है तब उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है एम। अब उसको जब बेंड कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा, तो उसका ये फॉर्मूला रहेगा, ये देखो ना, ये सीधा ऐसा नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये एम है। अब अगर इसको बेंड कर दिया, अगर ये ऐसा कर दिया, ये नॉर्थ ये साउथ, अब इनके बीच में एंगल बना दिया, अब ये एंगल हम लोग ले लेते 90 डिग्री,
या 60 डिग्री ले लेते, यहां पे 60 डिग्री में बेंड कर दिया। अब इसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ट्वाइस एम साइन ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन थीटा। तो ये हो गया बेटा ट्वाइस एम साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 मींस 30 डिग्री अपॉन साइन 60 मींस पाई बाय 3। क्लियर, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय 2, 2 गेट कैंसिल, तो ये क्या रहेगा m डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 3, दैट इज 3m अपॉन पाई। ये आएगा आपका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक मोमेंट है अपना m। अब अगर इसको बेंड कर दिया ये ऐसा कंप्लीट सर्कल में नॉर्थ साउथ, अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। सो इसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहना चाहिए, फॉर्मूला ट्वाइस एम साइन ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा इज इन रेडियन। अब ट्वाइस एम साइन ऑफ, अब बेटा यहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री बनेगा, तो साइन ऑफ 180 बाय 2 अपॉन 180 डिग्री मीन्स व्हाट पाई। अब ये क्या हो गया अपना 90, sin 90 is 1, so twice m upon pi, ये बनेगा new magnetic moment। Clear? अब देखो, अब अगर हमने उसको curve ना बनाते हुए, ये आपका magnetic moment north south, south to north is magnetic moment। अब अगर हम इसको ऐसे bend कर दें, ये नॉर्थ साउथ, अभी ये वाला जो मैग्नेट था इसको हमने इस टाइप से बेंड कर दिया, अब इसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा, तो वो कितना रहेगा m साइन ऑफ थीटा बाय 2। क्या रहेगा बेटा फॉर्मूला उसका, m साइन ऑफ थीटा बाय 2। अगर ये हमने 60 डिग्री से बेंड किया होगा, यहां 60 रखोगे m साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा m साइन ऑफ 30, साइन 30 की वैल्यू क्या 1 बाय 2 यानी ये क्या आ जाएगा m बाय 2। क्लियर, तो इस तरीके से आप न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इनका निकालोगे। सो बेटा आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने किसी भी वायर से करंट पास हो रहा होगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते वो पढ़ा था। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, ये हमने करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था। आज के लेक्चर में हमने बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये प्लस और ये माइनस इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट निकालना पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।